students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen how we can find zeros of cubic polynomial and the relationship between zeros and its coefficients. ये सारी चीजें मैं आपको previous video में बता चुका हूँ कि कैसे cubic polynomial के zeros find करते हैं और zeros में और coefficient में क्या relationship होता है, ठीक है? तो उस पर based एक question आज discuss करते हैं. देखिए पहला question हमारे पास, अच्छा काफी लंबा चौड़ा question है, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है. आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके साथ में तीन नंबर दिए हुए हैं, 1/2, 1 and -2. आपसे पूछा है कि चेक करके बताओ, वेरीफाई करके बताओ कि क्या ये तीनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं. पहले क्या क्वेश्चन पुट अप हुआ है, ये तीनों नंबर्स इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है. मतलब verify that the number given alongside of the cubic polynomial are their zeros. तो इसका मीनिंग यही है कि तीन नंबर इसके जीरोस हैं या नहीं है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा. Then also verify the relationship between the zeros and coefficients. अगर ये zeros हैं तो फिर हमें relationship verify करवाना होगा. तो suppose मान लीजिए अगर ये zero हैं, अगर ये zeros हैं तो ये हमारे expression को zero बना देंगे. मतलब अगर मैं 1/2 रखता हूं x की जगह पर और 0 आ जाता है वैल्यू रखने के बाद, तो हम कहेंगे 1/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. फिर हम x की जगह पे 1 रखेंगे, यहां पर x की जगह पे 1 रखेंगे. अगर कैलकुलेट करने पर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे 1 जो है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है. सिमिलरली -2 रख के देखेंगे, तो 1/1 रख के देखते हैं, ठीक है? ये दो पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है. पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं. तो सपोज ये px है, लेट ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट. लेट px क्या है, 2x³ + x² - 5x + 2. सबसे पहले हम 1/2 पे बात कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले x की जगह पर 1/2 रखा, तो ये हो जाएगा 2 1/2³ + 1/2² - 5 1/2 + 2. वैल्यूज रख दी हमने हाफ. अब सॉल्व करेंगे, 2 1³ 1 2³ 8, ठीक है? याद रखना ये 2 से 2 मत काट देना, पहले पावर सॉल्व होगी. पावर में क्या है, क्यूब, तो पहले क्यूब सॉल्व होगा, ठीक है? अब ये कट जाएगा, 2 4 जा, नाउ 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 5 1 5 / 2 and + 2. तो यहां मिला 1/4 + 1/4 - 5/2 + 2/1 लिख सकते हैं. सॉल्व करा, एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा, 1 + 1 - 2 2 जा 2 5 जा 10 + 1 4 जा 4 2 जा 8. तो 8 + 1 + 1 = 10, तो ये हो जाएगा 10 - 10/4, दैट इज 0. इसका मतलब 1/2 रखने पर एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0 आ गया. तो 1/2 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है. अब हम 1 रख के देखेंगे, ठीक है? ये तो समझ में आ गया अच्छे से. अब 1 रख के देखते हैं, तो देखेंगे, तो p1, तो ये हो जाएगा 2 1³ + 1² - 5 1 and 2. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1³ 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 5, को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 और इधर 2. चलिए भाई, 2 + 1 3 3 + 2 5 5 - 5 0, इसका मतलब 5 - 5 अगेन क्या मिलेगा, 0. तो जब हमने 1 रखा, x = 1 रखा, तब भी एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल था वो भी क्या हो गया, 0 हो गया. इसका मतलब जो 1 है, 1 इज आल्सो अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है? अब बारी है -2 की. अब -2 रख के देखेंगे, तो अब -2 रखते हैं, तो देखिएगा भाई, अब -2 रख लेते हैं, तो -2 रखने पर क्या होगा, तो -2, तो ये हो जाएगा 2 - 2³ - 2² - 5 - 2 and + 2, ठीक है? चलिए भाई, 2 - 2³ करेंगे -8, ठीक है? -2² 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 and + 2. सॉल्व किया, 8 2 = 16, ये देखो 4 10 2 16, ऐड करोगे 16 आएगा, -16 + 16 अगेन 0.
तो एक काम तो खत्म हो गया, हमने चेक कर लिया 1/2, 1 और -2, इन तीनों वैल्यूज को यहां पे रखने पर पॉलीनोमियल 0 बन रहा है। इसका मतलब 1/2, 1 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। तो हम हमारा एक आंसर लिख देंगे यहां पर। आंसर में क्या लिखेंगे कि ये तीनों जो नंबर दिए हुए थे ये जीरोस हैं, सो 1/2, 1 and -2 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। ये जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल है। अब इनमें से किसी एक को आप अल्फा कह दो, एक को बीटा और एक को गामा। तो लेट्स से अल्फा 1/2 हो गया, बीटा -2 हो जाएगा और गामा ये इसको मान ले देते हैं और गामा जो है ये -2 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा हमने कंसीडर कर लिया, एक जीरो दूसरा जीरो थर्ड जीरो। अब रिलेशन वेरीफाई करवाना है। सबसे पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमने कैलकुलेट किया। अल्फा कितना था 1/2 प्लस बीटा कितना है 1 प्लस गामा कितना है -2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 देखिए 1 प्लस का है और ये माइनस का 2 है, इसको सॉल्व करोगे तो -1 मिलेगा भाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ये 1 - 2 और 1 - 2 कितना होता है -1। अब देखिए 1/2 में से आप 1 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा -1/2 भाई, आधे में से 1 माइनस करोगे तो हाफ मिलेगा बट नेगेटिव का, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं। और आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। तो ये क्या चीज आई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और रिलेशन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो आप चाहें तो -b/a अलग से निकाल लें या आप चाहें तो यहीं पे निकाल लें -b/a। अब देखिए b, b की वैल्यू क्या है, तो पॉलीनोमियल क्या आएंगे, ये a होता है ये b, तो b की वैल्यू कौन है 1, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस साइन तो यही सही। a, a की वैल्यू कितनी है 2, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब तो 2। तो आप गौर से देखिए -1/2 और -1/2 दोनों इक्वल आ रहे हैं भाई, हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करा, कितना मिला -1/2, फिर हमने -b/a निकाला तो -b/a भी कितना मिला -1/2, इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन था हमारे पास, ये तो फर्स्ट रिलेशन हो गया, सेकंड रिलेशन था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे। तो अल्फा कितना था 1/2, फिर बीटा कितना है 1, ठीक है अल्फा बीटा हो गया, प्लस बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2, ठीक है फिर प्लस, तो प्लस फिर गामा अल्फा, गामा कितना है -2 और अल्फा कितना है 1/2, तो 1/2 बात समझ आएगी, अल्फा इज 1/2, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ही मिलेगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम, तो इधर कौन बचा -1, तो यहां पे आ जाएगा -1, ठीक है भाई। अब 1/2 -2 और -1 इज -3, -3 कैन बी रिटन एज -3/1, जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो इधर मिलेगा आपको 1 -2 3 6 दैट मींस -5/2। तो ये सेकंड वाला रिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज -5/2। और रिलेशन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होता है, c/a के, तो c कितना है -5 और a कितना है 2, तो c/a की इक्वल आएगी ये वैल्यू c/a दैट इज -5/2। c की वैल्यू क्या है -5 और a की वैल्यू क्या है 2, तो -5/2 मतलब -5/2 इक्वल आ रहा है किसके, अगेन -5/2 के। तो ये जो वैल्यू थी ये इसको भी कैलकुलेट करने पर वही आ रहा है और c/a भी वही है, इसका मतलब दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। अब तीसरा रिलेशन, लास्ट रिलेशन है तीसरा, देखिएगा भाई थर्ड रिलेशन क्या था, अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा बीटा गामा फाइंड करते हैं, तो देखिएगा भाई ध्यान से, अल्फा बीटा गामा ये तीनों मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है,
अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2। अब ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 × 1 × -2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या -1 × 1 × 1, दैट इज -1। तो अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल आ रहा है, -1 के, और अकॉर्डिंग टू द रिलेशन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -d/a, इसके इक्वल होती है वैल्यू -d/a के। डी की वैल्यू कितनी है, डी ये होता है 2, डी की वैल्यू 2 है, तो डी की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, डी की वैल्यू 2, और ये माइनस तो फॉर्मूले में ऑलरेडी रहता है वाला माइनस, ठीक है, तो डी की वैल्यू 2 और a की वैल्यू अगेन 2, तो a की वैल्यू भी 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो -1 मिलेगा, तो -1 इधर से भी आ रहा था, -1 उधर से भी मिल रहा है, इसका मतलब अगेन रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। तो जो क्वेश्चन में बोला था कि पहले चेक करो ये तीनों जीरोस हैं या नहीं है, तो हमने चेक कर लिया, वेरीफाई करवा दिया, यस ये तीनों जीरोस थे, कैसे करवाया था, तीनों वैल्यूज रख रख के हमने देख लिया था। फिर उसने बोला आपसे कि भाई कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करवाओ, तो वो भी करवा दिया हमने। अभी जो सेकंड पार्ट है ये आप लोग सॉल्व करेंगे, इसमें वही काम करना है, 2 रखना, फिर 1 रखना, फिर 1 रख के देखना, तो एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, तो आप कह देंगे कि ये तीनों क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल है, फिर आपको वही रिलेशन वेरीफाई करवाना है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल पर, ठीक है, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फॉर्मेशन पर। इससे पहले भी आप फॉर्मेशन देख चुके हो, बट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, के वाला, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सिमिलरली क्यूबिक पॉलीनोमियल में भी हमारे पास सेम फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है उसमें, तो देखिएगा ध्यान से। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ एनी क्यूबिक पॉलीनोमियल, देन द क्यूबिक पॉलीनोमियल इज गिवन बाय, अगर अल्फा बीटा गामा किसी क्यूबिक पॉलीनोमियल के जीरोस हैं, तो फिर क्यूबिक पॉलीनोमियल कैसे फॉर्म होता है, तो लेट्स से पी एक्स है क्यूबिक पॉलीनोमियल, तो अगेन वही के, ठीक है, के जैसा वहां पे होता था क्वाड्रेटिक के अंदर। अब यहां आप लिखेंगे एक्स क्यूब, क्या लिखेंगे एक्स क्यूब, देन माइनस, अब इधर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर, अब माइनस आ गया तो आप प्लस लगाएंगे अल्टरनेट पे, माइनस प्लस माइनस इस तरीके से। नेक्स्ट आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, अब माइनस प्लस देन फिर माइनस आएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा, बात समझ में आई अच्छे से, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या चीज है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम इनटू में एक्स आएगा, फिर माइनस के बाद अल्फा बीटा गामा, एंड वेयर के इज नॉन जीरो कांस्टेंट, ये क्या है, वेयर के इज नॉन जीरो कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी वो आपसे बोलेगा फाइंड क्यूबिक पॉलीनोमियल या फॉर्म क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है, तो उसके बाद वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अब अगेन यहाँ पर भी दो बातें हैं, जब वो आपको इन्फॉर्मेशन दे तो इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ लें, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लें कि एक्चुअल में आपको दिया क्या है, क्या उसने आपको सम दो जीरोस का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या ये तीनों दिए हुए हैं, या फिर उसने आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है, तो क्वेश्चन से क्लियर होता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है, तो ये आप याद कर लें फॉर्मूला, इससे हम क्यूबिक पॉलीनोमियल बना पाएंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, अब वो क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है, फॉर्मूला हमने रब नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि इसी से हम क्यूबिक पॉलीनोमियल फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलीनोमियल, एक क्यूबिक पॉलीनोमियल आपको बनाना है, फाइंड करना है, विद द सम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम
and the product of zeros as 2, minus 7, minus 14 respectively. अब यहां पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है. जैसा मैंने कहा था, पहले क्वेश्चन पढ़ लें. क्या ये अल्फा बीटा गामा है? क्या ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, ये गामा की वैल्यू है? नहीं है, ये अल्फा बीटा गामा नहीं है. क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बता दिया कि ये तीनों क्या है, ये टू क्या है, ये है सम. क्या है? सम है. जो पहला नंबर जो है टू, ये सम के लिए आया है. फाइंड द इक्विवेलेंट विद द सम. सम कितना है? टू. मतलब कि जीरोस का सम तो है टू. फिर उसने बोला आगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम. मतलब कि ये वाली चीज, ये क्या है? सम है. किसका सम है? प्रोडक्ट का. किसका प्रोडक्ट? दो जीरोस का. बस में तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम. बस में वो कितना है? वो है माइनस सेवन. फिर एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा गामा, वो कितना है? माइनस 14 रेस्पेक्टिवली लगा हुआ है. तो पता ये चला कि ये अल्फा बीटा गामा नहीं है. तो ये क्या है? सुनना ध्यान से. आंसर उसने गिवन में आपको, अच्छा पहले लिख देना, जब आप आंसर दें तो आंसर लिख देना, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल पी एक्स. अल्फा बीटा गामा हमने क्या अज्यूम कर लिया? जीरोज हैं. तो अब गिवन में क्या हो जाएगा? गिवन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये दिया हुआ है टू, मतलब कि सम. सम तो कितना है? टू. उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी दी है? माइनस सेवन. ये वैल्यू है माइनस सेवन. देन प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कितना है? माइनस 14. ये गिवन में है हमारे पास. तो क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होगा? तो देखना भाई, जो पी एक्स है तो के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पर टू रख देंगे, एक्स स्क्वायर. ठीक है, देन प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना है? माइनस सेवन. तो यह आएगा माइनस सेवन एक्स. फिर माइनस है, अल्फा बीटा गामा कितना है? माइनस 14. बात समझ में आई? वैल्यूज रख दी हमने सारी. नाउ के एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस का सेवन एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 14 हो जाएगा. अगेन, क्या यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है? कोई फ्रैक्शन नहीं है. तो k की वैल्यू 1 रख देंगे. तो जैसे आप k की वैल्यू 1 रखोगे तो जो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल है वो आ जाएगा x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 14. यहाँ बता देना k की वैल्यू 1 दी हुई है. तो ये आ गया क्या? रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल. जो उसने आपसे मांगा था क्यूबिक पॉलीनोमियल, वो ये वाली चीज है. ये क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा. आई होप ये समझ में आ गया होगा. अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. ठीक है, इस बार मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं. ठीक है, इस बार मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूं. ये तो समझ में आएंगे आपके. ठीक है, सपोज मान लीजिए इस बार क्वेश्चन कुछ ऐसा है. देखिएगा, सपोज क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ क्यूबिक पॉलीनोमियल हूज zeros are 1, 2 and 0, या 1, 2 and 3 ले लेते हैं. ये क्वेश्चन है इस बार. उसने आपसे बोला क्यूबिक पॉलीनोमियल फाइंड करें, अगर जीरोस क्या है? 1, 2 and 3 है. तो अब बताओ ये 1, 2, 3 क्या है? अब ये अल्फा बीटा गामा है. उसने बोल दिया ना कि जीरोस अब आपको दे रहे हैं. जीरोस का मतलब क्या हुआ? अल्फा बीटा गामा दे दिया. इस बार पूरे क्वेश्चन के अंदर सम प्रोडक्ट ऐसा कोई वर्डिंग ही नहीं है, ऐसी कोई लाइन ही नहीं है. देन ऑब्वियसली ये क्या है? अल्फा बीटा गामा है. ठीक है, तो लेट हम बता देंगे उसको स्टार्टिंग में, लेट अल्फा बीटा एंड गामा गामा बी द जीरोस ऑफ पीएक्स. पीएक्स कोई क्यूबिक पॉलीनोमियल है. दैट मींस हमारे पास क्या है?
we have alpha is equals to 1, beta is equals to 2 and gamma is equals to 3. अब देखिए जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे सम ऑफ जीरोस की जरूरत पड़ेगी, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जरूरत पड़ेगी। या पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, क्यूबिक पॉलीनोमियल के एल सॉरी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब वैल्यूज रखते हैं तो ये हो जाएगा के एक्स क्यू माइनस अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2 और गामा की वैल्यू 3 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू 1, बीटा 2 फिर 2 3 3 1। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा देन माइनस एक्स भी आएगा माइनस अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 3। अब कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1 6 x स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2 3 जा 6 3 1 जा 3 x माइनस 3 2 जा 6 6 1 जा 6। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज k x क्यूब माइनस 6 x स्क्वायर प्लस 6 3 9 2 11 x माइनस 6। अगेन क्या कोई फ्रैक्शन है, क्या 11 अपॉन 2 या 6 अपॉन 3 ऐसा कुछ है? कोई फ्रैक्शन नहीं है तो k की वैल्यू 1 रख देंगे, तो पॉलीनोमियल क्या आ जाएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल इज x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। या बता देना k की वैल्यू 1 हमने कंसीडर की हुई है, तो ये क्यूबिक पॉलीनोमियल फॉर्म हो गया। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रीड आउट करें कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चा अल्फा बीटा गामा मान के चलता है कि अच्छा ये अल्फा ये बीटा ये गामा। भाई पहले क्वेश्चन भी तो पढ़ो कि कहीं उसने सम प्रोडक्ट वगैरह तो नहीं दे रखा है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने फॉर्मेशन देख लिया, हमने रिलेशन को वेरीफाई करवा लिया और अब बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर। इसमें अब आपको क्या होगा, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिलेगा। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें पावर 4 रहेगी, उस बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब जिसपे x पे हाईएस्ट पावर 4 होती है, देन ऑब्वियसली x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी वहां पर, 4 वैल्यूज मिलेंगी, जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 4 मिलेंगे। तो अब जो वेरिएशन आएगा, अब जो टाइप आएगा क्वेश्चन का, उसमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा, उसके दो जीरोस को आपको बता देगा, x की दो वैल्यूज आपको बता देगा और जो रिमेनिंग टू वैल्यूज हैं वो फाइंड करवाएगा। तो ये टाइप जो है इंपॉर्टेंट टाइप है, बट इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।